अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स बूटस्ट्रैप के लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि बूटस्ट्रैप की मदद से आप नेवबार किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और उसको कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि ऑफ कैनवस क्या होता है बूटस्ट्रैप में और किस तरह से यूज़ किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने बूटस्ट्रैप की वेबसाइट ओपन कर ली है, डॉक्स में आ जाएँ और इंट्रोडक्शन में आके CDN लिंक अटैच करवा लेते हैं अपनी फाइल के साथ। ये CSS वाला लिंक है, इसे कॉपी करें और इसको हेड टैग में आके लिंक में पेस्ट कर लें जिससे हमारी बूटस्ट्रैप हमारी फाइल के साथ लिंक हो जाएगी। इसके बाद आप बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स में आ जाएं। कंपोनेंट्स में आने के बाद यहाँ पे आपको ऑफ कैनवस मिलेगा, इस पर आप क्लिक करें। सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑफ कैनवस होता क्या है। यहाँ पे लाइव डेमो सेक्शन आएगा, जैसे ही हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको लेफ्ट साइड पर एक डिव ओपन होती नज़र आएगी, ये देखें। इसको हम स्टूडेंट्स ऑफ कैनवस कहते हैं। बेसिकली आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ वेबसाइट्स में स्टाइलिंग करके नेविगेशन बार जो राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे लगाया होता है, वो अगर बूटस्ट्रैप डिज़ाइन बना हुआ है तो उन्होंने ऑफ कैनवस का यूज़ किया होता है। तो अगर आप बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं तो बहुत आसानी के साथ इसको कॉपी पेस्ट करके इसको बना सकते हैं। यहाँ पे भी ओपन हो रहा है। अब इन दोनों में डिफरेंस ये है, इस बटन में इन्होंने एंकर टैग का यूज़ किया हुआ है और इस वाले बटन में बटन टैग का यूज़ किया हुआ है, HTML का बटन टैग, और यहाँ पे इसका कोड आ रहा है। इसको हम कॉपी करते हैं। यहाँ पर कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम एक कंटेनर क्लास बना लेते हैं रो और कॉल एट बना लेते हैं फॉर एग्जांपल, और इसमें मैं पेस्ट कर देता हूँ कोड को। गो लाइव करते हैं, आपके सामने ये आउटपुट आ रहा है। अभी मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ लेकिन दोनों ही वर्क नहीं कर रहे स्टूडेंट्स। इसकी रीज़न ये है ना वर्क करने की, क्योंकि ये भी जावास्क्रिप्ट की फाइल के साथ लिंक होते हैं। तो हमें यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आके CSS की फाइल के साथ ही जो JS की फाइल है उसको भी लिंक करवाना पड़ेगा अपनी फाइल के साथ। इसे कॉपी करें और जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि बॉडी के लास्ट में आपने इसको अटैच करवाना होता है जावास्क्रिप्ट के लिंक। यहाँ पर मैंने लिंक करवा लिया, तो अब मैं इस बटन पर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने ये ऑफ कैनवस ओपन हो रहा है। यहाँ पे भी ओपन हो रहा है और यहाँ से भी ओपन हो रहा है। इसको मार्जिन टॉप लगा देता हूँ, थोड़ा सा बटन नीचे आ जाए, थोड़ा खूबसूरत लगेगा। MT5 कर लेता हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा बटन नीचे आ गया। इसके बाद और क्या ऑप्शन है इनको हम एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा सा और। कंपोनेंट्स में आने के बाद आप यहाँ पर आ जाएँ ऑफ कैनवस पे। पहली एग्जाम्पल जो थी वो ये थी जो सिंपल आपको दिखाई है। अब यहाँ पर आ गया बॉडी स्क्रोलिंग। अब इसका मतलब क्या है, जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो मैं क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ लेकिन ये अभी क्लोज नहीं हो रहा। अभी कब क्लोज होगा? अब इसने क्लोज तब होना है जब आप इस क्रॉस पे क्लिक करेंगे। जबकि इससे पहले वाली जो एग्जांपल थी इस पे मैंने क्लिक किया ओपन हुआ, अब इधर ही मैंने क्लिक किया बॉडी पे तो वो क्लोज हो रहा है। जबकि सेकेंड वाली एग्जाम्पल में जहाँ पर बॉडी स्क्रॉलिंग लिखा हुआ है ये बॉडी पे क्लिक करने पर क्लोज नहीं होता। तो इसने क्लोज सिर्फ यहीं से होना है जब आप इस पर क्लिक करेंगे। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे आ गया स्टैटिक बैकड्रॉप, इसका मतलब क्या है, अब ये भी यहाँ पे क्लिक करने पे वो क्लोज नहीं होगा, इसको भी आपने यहीं से क्लोज करना है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पे आपको मिलेगा टॉगल टॉप ऑफ कैनवस। अब इसका मतलब ये है कि जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो टॉप से ऑफ कैनवस ओपन होगा। इससे पहले एग्जाम्पल जो थी वो लेफ्ट साइड से ओपन हो रही थी, अब ये टॉप से ओपन हो रही है। अगर इसको यूज़ करना है तो इसका कोड आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और इसे पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। इस कॉल एट में जो हमने कोड लगाया था इसको रिमूव कर देते हैं और इसकी जगह पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लें ताकि कोड थोड़ा ऑर्गेनाइज हो जाए। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आपके सामने देखें टॉप से ऑफ कैनवस ओपन हो रहा है। अब इसमें अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं कहाँ लिख सकते हैं, ये देखें आपके सामने एक क्लास आ रही है जिसका नाम है ऑफ कैनवस बॉडी। अब इस बॉडी में आप अपना कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं H3 में लिख देता हूँ ऑफ कैनवस बॉडी, ऑफ कैनवस बॉडी। आउटपुट देखते हैं, जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके सामने ऑफ कैनवस बॉडी लिखा हुआ आ गया है। अब ये तो बात होगी टॉप वाले की, थोड़ा स्क्रॉल डाउन और करें। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है टॉगल राइट ऑफ कैनवस, तो ये राइट साइड से ओपन होगा। अगर इसको यूज़ करना है तो आप इसका कोड यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और इसको मैं इसकी जगह पे प्लेस कर देता हूँ।
अब आउटपुट देखते हैं इसका, तो ये देखें राइट साइड से ओपन हो रहा है, और इसके बाद यहाँ पे आ रहा है टॉगल बॉटम ऑफ कैनवास, इस पर क्लिक करें, इसका कोड रिप्लेस कर देते हैं, पेस्ट करें और यहाँ पे क्लिक करें, तो ये देखें बॉटम से ऑफ कैनवास ओपन हो रहा है। अब इनमें बेसिक, अब अगर हम इनका कोड देखें तो कोड में बात समझने वाली ये है कि यहाँ पे सिंपल एक बटन लगा हुआ है बूटस्ट्रैप का, और यहाँ पे एक मेन डिव है जिसमें क्लास लगी हुई है ऑफ कैनवास, ऑफ कैनवास बॉटम। अगर आप इसको टॉप पे करवाना चाहते हैं, अगर आप इसी को टॉप से ओपन करवाना चाहते हैं तो आप बॉटम की जगह पे टॉप लिख सकते हैं, ऑफ कैनवास टॉप करेंगे तो ये टॉप से ओपन हो जाएगा, ये देखें। इसी तरह अगर आप लेफ्ट राइट करना चाहते हैं आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, तो यही वाला ऑफ कैनवास जो है शिफ्ट हो जाएगा टॉप लेफ्ट राइट या बॉटम में। स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर, इसी को हम कहते हैं ऑफ कैनवस। अगर आपने यूज़ करना हो तो आप बूटस्ट्रैप की मदद से बहुत आसानी से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।